अगर आपने हमारे YouTube चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, इस पर आप क्लिक कीजिए और हमें सब्सक्राइब कर लीजिए। और साथ ही साथ इसके सामने एक नोटिफिकेशन बेल आ रहा है, इसे भी आप इनेबल कर दीजिए ताकि आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिले जब भी हम कोई नई वीडियो अपलोड करें। तो चलो नमस्कार, आप देख रहे हैं एसएमपी झारखंड। इस व्यक्ति को डिटेन किया गया है रांची एसडीओ मैडम के थ्रू। इन पे ड्रिंक लेने का शक है, इनको अभी ड्रिंक पैरामीटर से चेक किया जाएगा, अल्कोहल लिए हुए हैं कि नहीं लिए हुए हैं। ये 15 ओपी में है अभी। ये एक स्कूल बस के क्लासी हैं, लेकिन आए दिन ये घटनाएँ रांची में खास करके बढ़ रही हैं, जिसपे अभी देखा जा रहा है कि प्रशासन भी एक्टिव हुआ है। खास करके स्कूल बसें जो ओवरलोड चल रही हैं ड्रिंक लेकर के, खास करके जो क्लासी हों ड्राइवर हों इनकी देख रेख करने वाला कोई नहीं है। आए दिन कहीं ना कहीं कोई घटना होते रहती है। आइए देखते हैं इन पे क्या कार्रवाई होती है, ये ड्रिंक लिए हुए हैं या नहीं लिए हुए हैं। आइए देखते हैं विजिबल को। संत फ्रांसिस। इतना आपने ड्रिंक लिया हुआ है, आपके बस में इतने बच्चे रहते रहे, उन पे इसका क्या प्रभाव पड़ेगा आपने कभी सोचा? बोलो। गलती से हो गया एक दिना, जबरदस्त में तो नहीं लेते हैं। क्या ये स्कूल में इस चीज की चेकिंग नहीं चलती है क्या कि ड्राइवर और खलासी ड्रिंक लिए हुए हैं कि नहीं लिए हुए? बोलो। चलता तो है, लेकिन हम आज मेहमान लोग आया था तो इसीलिए थोड़ा सा ले लिए, बस यही है। और पहली बार लिए हैं आज। तो स्कूल के आप पे कोई कार्रवाई नहीं होती आप लोग ड्रिंक लेते हैं तो? कार्रवाई होता है, कहे नहीं होगा। ड्राइवर ने भी ड्रिंक लिया था? नहीं, ड्राइवर ने नहीं लिया था। ड्राइवर पिया था? बोलो। नहीं नहीं, बस का नंबर तो अभी याद नहीं होगा सर। आप देख सकते हैं ये स्कूल बस के क्लासी हैं, जिन पे 70 से 80 बच्चों का भविष्य होता है, उसके बावजूद भी ये कैसे ड्रिंक लेकर के गाड़ी को ड्राइव करते हैं। ये क्लासी हैं, फिर भी आप सोच सकते हैं कि रांची में खास करके ये एसडीओ मैडम द्वारा पकड़े गए हैं। ये 15 ओपी में भी इनको रखा गया है, इन पे जो कार्रवाई आगे होगी वो थाना के द्वारा होगी। जो क्लासी हैं, हम आइए जानते हैं यहाँ के जो प्रभारी हैं 15 ओपी के, इनसे हम जानते हैं कि इन पे आगे क्या कार्रवाई हो सकती है। सर, अभी जो अरेस्ट हुए हैं इन पे क्या कार्रवाई होगी, इनकी क्या गलती थी, किस लिए ये अरेस्ट हुए? ये जो है, इनका नाम नवीन तिर्की है, ये खलासी है, यहाँ संत फ्रांसिस स्कूल है बगल में बनहोरा में। और इनको जो है, ये खलासी है, शराब के नशे में थी अपनी गाड़ी में, और उस गाड़ी में स्कूल के बच्चे भी थे, तभी इनको जो है शिव मैडम के द्वारा जो है डिटेन किया गया था और मुझे सौंपा गया है। और इनका अल्कोहल चेक भी जो है चार्ली वन जो ट्रैफिक के इंस्पेक्टर साहब उनके द्वारा किया गया है, ठीक है। और ये कुछ मात्रा इनके शराब पीने की पुष्टि हुई है, लेकिन ये ड्राइव चूँकि ड्राइवर नहीं है, और इसमें ट्रैफिक की तरफ से भी जो इंस्ट्रक्शन मिला कि इनको जो है एक पीआर बॉन्ड पर कुछ निर्देश देते हुए, साथ ही इसके स्कूल पर इनके विरुद्ध कार्रवाई करने का एक आवेदन जो है मेरे तरफ से दिया जाएगा।
और जो भी विधि सम्मत कार्रवाई हो सकती है वो करेंगे। सर, और जो बसें चल रही हैं आपकी तरफ से क्या हिदायत है और उनके लिए क्या बोलना चाहते हैं? चूंकि ये मामला अभी सामने आया है तो हम लोग इस पर विशेष निगरानी रखेंगे। सिर्फ स्कूल की बसें नहीं, और भी जो दूसरी बसें प्राइवेट बसें चलती हैं उन पर विशेष निगरानी होगी। देखा जाएगा कि उसके चालक या कोई दूसरा स्टाफ शराब इत्यादि के नशे में ना हो, क्योंकि विशेष तौर पर स्कूल में जो है कई सारे बच्चे होते हैं जो छोटे होते हैं, जिनको उतारने और चढ़ाने का काम एक क्लासी करता है, और उस गाड़ी को सकुशल जो है बच्चों के घर तक ले जाने का या स्कूल तक ले जाने का काम जो है ड्राइवर को होता है। तो अगर वे दोनों ही नशे में रहेंगे तो इससे बहुत बड़ी क्षति हो सकती है। तो इस पर हम लोग कड़ी कार्रवाई करेंगे। हम लोग जो है अपने जो गश्ती दल होती है या हमारे दूसरे पुलिस कर्मचारी हैं, जो पिस्का मोड़ पर हमारा ट्रैफिक वाला है, ट्रैफिक पोस्ट पे जो पदाधिकारी हैं उनसे भी संपर्क करके उनको भी हम लोग ये निर्देश देंगे कि इस तरह के लोग अगर दिखें तो उन पर जो है जितनी कड़ी कार्रवाई हो सकती है वो करने का प्रयास करेंगे। और इनको हिदायत देते हैं ऐसे लोगों को कि वो अपनी जिम्मेवारी समझें, ट्रक का बस के ड्राइवर जो स्कूल बस के ड्राइवर होते हैं या खलासी होते हैं वो अपनी जिम्मेवारी समझें। बच्चे जो है बहुत मूल्यवान है, किसी के बच्चे हैं उनके लिए वो बहुत कीमती है, तो इस जिम्मेवारी को वे स्वयं समझें और इन चीज़ों से वो दूर रहें। धन्यवाद सर। अभी आपने देखा स्कूल बसों की स्थिति, अब आइए देखते हैं रांची में जो चलती है सिटी बसें उसकी क्या स्थिति है। टाइगर द्वारा उनको रोका गया है, आइए देखते हैं इस विजुअल को और यहाँ की रांची की स्थिति। ये ओवरलोड गाड़ी है, किसी को भी रिस्क हो सकता है, गाड़ी पलटी भी खा सकती है। टाइगर द्वारा इस गाड़ी को खाली कराया जा रहा है। ये आप छत पे गाड़ी को पैसेंजर को नहीं लेके जा सकते हैं। आप देख सकते हैं इस गाड़ी की स्थिति। ये रांची टाउन से गाड़ियां खुलती हैं, इतनी ओवरलोड रहती हैं। क्या कारण था सर गाड़ी को खाली कराया गया? ओवरलोड इतना ऊपर बैठा हुआ था, किसी तरह जब दुर्घटना हो जाता है, कभी भी दुर्घटना हो सकता है, इसलिए हम उसको खाली करवा के नीचे उतरवाए हैं। बहुत ज्यादा लोड था। कितनी गाड़ियाँ यहाँ ओवरलोड जाती हैं, इसके लिए क्या व्यवस्था होता है? अरे हम लोग तो जितना देखते हैं सबको नीचे खाली करवा ही देते हैं, फिर भी यहाँ के जो ऑनर लोग हैं या जो पैसेंजर खुद हैं कहते हैं कि इसका पैसा कम कमाते हैं, लेबर हमारे पास नहीं मिलता, लेबर कुछ कम ज़्यादा पड़ जाता है, इसके चलते बोलता है कि ऊपर बैठते जाते हैं। अरे उसका ज़िंदगी का सवाल, इसलिए हम लोग देखते हैं खुद खाली करवा देते हैं। करीब करीब आज गाड़ी बनी जिससे तो बहुत गाड़ी जा रही है, फिर भी उसको बोले कि जाओ अपना ज़िंदगी से बचाते हुए जाओ, इसी कारण रुका। नमस्कार, देखते रहें SNP झारखंड।